गाइस मैं चला रहा हूँ द ब्रांड न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 और आज ना इस मोटरसाइकिल को मैं ट्रैफिक में सिटी में चलाने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस मोटरसाइकिल को रोज आप चला सकते हो या नहीं। आज होने वाला है दूध का दूध और बाइक का बाइक, दैट वॉज अ वेरी बैड जोक, पर जो भी है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो कॉस्टिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2,93,000 ऑल द वे अप टू 3,53,000। तीन वेरियंट आते हैं, एक है बेस, दूसरा है टॉप और तीसरा है BTO, बिल टू ऑर्डर, ठीक है। और यस आ जाते हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। डेली चलाने के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अगर प्रैक्टिकल वे में सोचता हूँ, तो यस आप इस पर बैठ के डेली चला सकते हो, बिकॉज बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल। टंकी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी टंकी है, हैंडल बार जो है वाइड है, सीट्स जो है ब्रॉड है, सस्पेंशन जो है आर ऑन द सॉफ्टर साइड। आप इसको चला सकते हो डेली, आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मेरे दोनों पाँव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिकते हैं, ये देखिए दोनों नीचे टिकते हैं। बट आपको इस मोटरसाइकिल के लिए लगेगी ऑलमोस्ट मिनिमम 5'7" 5'8" की हाइट लगेगी, अगर आपको इसको मज़े से चलाना है तो उसके नीचे रहेगा तो थोड़ा डामाडोल हो सकता है, ओके। और एक और बात, यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा TFT डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको चार राइडिंग मोड्स मिलते हैं, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड सुपर मोटो, जो आप सिटी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। आप इसको अर्बन में ही चलाने वाले हो बिकॉज आपकी माइलेज हो जाएगी कम, ठीक है। माइलेज इसमें से आपको ज़्यादा नहीं, 20-25 मैक्स टू मैक्स 30 तक, 30 तो मुझे नहीं लगता, 20-25 पकड़ के चलो। एक चीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली है वो है क्विक शिफ्टर। भाई यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलता है तो आप ऑफिस से थके हुए आ रहे हो, हाँ, और आपको ज़्यादा ये क्लच दबाना नहीं है, जबकि आपको इसमें स्लिपर एडजस्टेबल स्लिपर क्लच मिलता है, तो आप क्विक शिफ्टर कर सकते हो। लोअर आरपीएम भी अच्छे से काम करता है, हायर आरपीएम भी अच्छे से काम करता है, और डाउन शिफ्ट भी जो है कमाल की, ये देखिए सेकंड में डाल दिया, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, अच्छे से काम कर लेता है। अभी इसके इंजन की अगर बात करूँ तो ये 310cc का सिंगल सिलेंडर जो इंजन है लिक्विड कूल्ड, भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। सिटी यूसेज के लिए मेरे को लगता है कि 125 से ऊपर आपको स्पीड सीसी के वाली बाइक से ऊपर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना पावर आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा। इसका पावर इतना ज़्यादा इंसेन है बिकॉज यहाँ पर मैं खोल नहीं सकता, ये देखिए, मतलब विद इन नो टाइम आप ना सामने आपके आगे वाले की एकदम बाजू में आ जाओगे, इतना ज़्यादा डरावना पावर है इस मोटरसाइकिल का। और इसका जो राइड बाय वायर है उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा हल्का सा डिले है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप ऐसा सोच के दो कि मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया और मेरी गाड़ी आगे रुक जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ सेकंड के बाद वो रुकेगी, तो उससे आपका थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, आपकी मसल मेमोरी को उससे थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग में आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और अगर मैं हीटिंग की बात करूँ ना, तो देखो आपको हल्का फुल्का सा हीटिंग तो ज़रूर से लगता है बिकॉज फुट पैक जो है बरोबर इंजन के सामने ही, मैं मेरा हाथ भी यहाँ पे रखता हूँ, बट अगर आप जूता वूता पहन के चलाते ना तो इतना हीट फील नहीं होगा। बाकी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप हीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रंट में ना आपको डायनेमिक LED लाइट्स मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि जितने अंधेरे में जाते हो उतनी इसकी रोशनी जो है तेज़ होती जाती है, और जितना आप डे में चलाते हो उतनी जो है कम होती जाती है, वैसी वाली बात है। तो डे टू डे यूसेज के लिए ना मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप दूसरे अपाचेस देख लो, जैसे कि 200cc हो गई, 160 हो गई, या फिर आप रॉनिन भी देख सकते हो। बट अगर आपको अपाचे सीरीज़ ही चाहिए, वो रेसिंग वाला DNA ही चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से 200cc या 160cc वाली जो अपाचे है दे आर गुड, ठीक है। और ब्रेकिंग पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे आपको ड्यूल ABS के साथ साथ आपको मिल जाती है यहाँ पे, ये देखिए इसकी डायनेमिक हैंडल्स अभी ऑन हो जानी चाहिए, मैं अंधेरे में आया हूँ, ये देख कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑन हो जाना चाहिए, आई डोंट नो क्या हो रहा है, एनीवेज काम कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या, हाँ, ड्यूल ABS मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रंट ब्रेक्स है, रेयर ब्रेक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रेकिंग के डिपार्टमेंट में आपको सिटी यूसेज के लिए मतलब कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस दे दिया ऐसा लग रहा है। बाकी द ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग वेल। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में USD फोक्स मिलते हैं और पीछे आपको मिलते हैं मोनोशॉक, ये देखिए इतना पावर आप नहीं बोलो। और मैं ऐसे मुंबई सिटी में रहता हूँ, कोई भी बीच में आ जाता है जय श्री राम हो जाता है ना, ऐसी वाली बात है। बट अगर मैं लुक डिपार्टमेंट की बात करूँ, अगर आप सिग्नल पे खड़े हो ऐसा मस्त शर्ट पैंट पहन के, शूज़ पहन के सिग्नल पे खड़े हो, आपको लड़कियाँ के साथ साथ लड़के भी ताड़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा कड़क, उसके लिए रेडी रहना। तो अगर आपको शो शाइनिंग करनी है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल और इसमें एक ब्लू कलर आता है, उसके लिए आपको आई थिंक 10,000 या 15,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, बट दैट ब्लू कलर इज़ काफ़ी ज़्यादा कड़क, ठीक है। और अगर आपको विली वर क्या भाई, अरे बट आप बच्चे को उठाना है तो बीच में छोड़ोगे क्या,
तो जैसे कि आपने देखा मैं ब्रेक्स की तारीफ ही कर रहा था मेरा रियर ABS इतना फास्ट एंगेज हुआ ना कि मुझे वो फील हुआ, वो खट 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 जो होता है ABS ऑन होने पर, जो मोटरसाइकिल चला उसको पता होगा, मुझे फील हुआ। तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं उसने रोक दिया। सो गाइस ये देखिए, ये ना जानबूझ के मैं ये व्लॉग में ये सब मैंने कट नहीं किया, बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि ये रोज़ का रोज़ होता है, और ये पावरफुल मोटरसाइकिल आप लेके निकलोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। और मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, गियर पोजीशन इंडिकेटर के आसपास में एक एरो आता है, तो अगर मैं बराबर स्पीड पर नहीं चल रहा हूँ तो एरो से मुझे पता चलता है कि मुझे गियर अप या डाउन करना है, ठीक है। तो ऐसी बात है, साइड व्यू मेरा अच्छा खासा व्यू दे देते हैं मुझे। और ये कहिए ना, हल्का सा ऐसे झटका मारती है, राइड बाय वायर है ना, इसके लिए हल्का सा आपको झटका देती है, और आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है जो आप सिटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। और पिलियन भाई देखो, पिलियन की बात आ जाती है सिटी में, मुझे लगता है कि यूजुअली सिटी के लिए लोग ऐसी मोटरसाइकिल चुनते हैं जिसमें 4 से 5 लोग बैठ सके। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, हमारे माइंड में ऐसा बैठा है ना कि भाई जब तक 4-5 लोग एक बाइक पर नहीं बैठते उसको बाइक नहीं मानते, मस्ती कर रहा हूँ, 2 जन के लिए हम यूजुअली देखते हैं। तो पीछे की सीट ना बहुत छोटी है और स्प्लिट सीट है, और इसका ना ये देखिए, ये आप करोगे ना डेफिनेटली पीछे वाला गिर जाएगा, तो उसके लिए तो आप इसको कंसीडर करना ही मत। इसके लिए आपके पास अपाचे जो है 200 160, उसकी सीट्स बरोबर, उस पर वो आसानी से बैठ पाएगा। तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो भी है फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्या आप इसको चला सकते हो? डेफिनेटली चला सकते हो यार भाई, अभी चलाने वाले बूसा H2 वगैरह चलाते तो ये क्यों नहीं चला सकते? चलाने के लिए तो भाई नीचे आप रॉकेट भी चला लो, उसका मतलब ये नहीं ना कि आप सच्ची में रॉकेट चलाओगे, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैक डेज करना चाहते हो, लॉन्ग राइड्स करना चाहते हो, और आपको एक सुपर बाइक चाहिए 300 cc सेगमेंट में, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं, भाई फीचर्स के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ABS मिलती है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्लाइमेट सीट्स भी मिलती है, मतलब आप गर्म या ठंडी अपनी सीट को कर सकते हो, जो आपको BTO वेरियंट में मिलता है, BTO वेरियंट में आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिलते हैं। मतलब अब आप ऐसी सब चीज़ें ना आपको 10 लाख की मोटरसाइकिल्स में भी नहीं मिलते जो इसमें आप मिल जाती है। तो अगर आप उनमें से हो जो ट्रैक डेज, लॉन्ग राइड, संडे राइड्स करना चाहते हो, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू गो फॉर दिस मोटरसाइकिल, इट इज़ वन ऑफ अ मास्टर पीस है, मतलब स्पेशली इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ओ माई गॉड, मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको डेली चलाना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर दी अपाचे 200 और दी 160। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, मैंने एकदम ही प्रैक्टिकल टेस्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू सो मच।